फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने कपास की खेती, उसकी सूत निर्माण की प्रक्रिया और परिसज्जाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कपास की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कपास की संरचना, कपास परमाणु की सबसे सरलतम इकाई क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज होने के कारण इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व मिलकर के इस रेशे का निर्माण करते हैं, जिसे हम सेलुलोजिक रेशा कहते हैं। इसलिए हम कपास को सेलुलोजिक रेशा कहते हैं। कपास का अनुच्छेदी संरचना यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में देखने पर जो कपास के तंतु हैं वो ऐंठन लिए हुए, किनारे से मोटे और आसानी से देखे जा सकते हैं। मर्सराइजिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसके बाद भी हम जब माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर से देखते हैं तो वो साफ एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं। कपास के जो तंतु हैं उसकी बनावट जटिल होती है, यानी कि बहुत ही पास पास होती है, क्योंकि ये एक कोशिकीय तंतु होता है। इसके कारण यह मध्य में, इसके कारण इसकी बनावट जो है वो जटिल होती है। इसके मध्य में ल्यूमेन भरा होता है और बाहर पर क्यूटिकल की होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ल्यूमेन और क्यूटिकल क्या है। ल्यूमेन जो होती है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि जो कपास होता है उसको तीन लेयर में बांट दिया जाता है। बीच का जो लेयर होता है उसमें ल्यूमेन भरा होता है, ल्यूमेन भरा होता है, यह बहुत ही चिपचिपा और चिकनाहट वाला पदार्थ होता है। और बाहर की जो होती है ये क्या है, बाहर का आवरण क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होता है, ये कड़ा भाग होता है। और इसका जो किनारे किनारे है वो सर्पीला काल होता है। इस तरह से इसकी संरचना बनी होती है। यह अम्ल का प्रतिरोधी होता है, जो कपास है वो अम्ल का प्रतिरोधी होता है। इसमें प्रोटीन और मोम भी पाए जाते हैं। कपास का अनुप्रस्थ काट, यानी कि कपास का अनुप्रस्थ काट क्या है? तो हम देखते हैं कि कपास कान के आकार का या फिर किडनी के समान दिखाई देता है। जो कपास है उसको उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो कान के आकार का ऐसे या फिर किडनी के आकार का दिखाई देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में फुलाने पर यह वृत्ताकार में दिखाई देता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाई जाती है कपास के तंतु की, तो वो वृत्ताकार यानी कि बेलनाकार और वृत्ताकार दिखाई देता है। ल्यूमेन का जो छिद्र होता है वो पिन के सिरे के समान होता है। ऐंठन होने के कारण इसमें जो ट्विस्ट होती है, ऐंठन होती है, इसके कारण चिकना एवं बेलनाकार दिखाई देता है कपास। इसका जो संगठन है वो शुद्ध कपास सेलुलोज का बना होता है। इसमें कुछ कार्बोक्सिल समूह होता है। जो शुद्ध कपास होता है वो कार्बोक्सिल समूह का होता है। इसलिए इसकी जो सीमा प्रति है ग्लूकोज 100% अवशेष और ग्लूकोनिक एसिड जो होता है वो रिड्यूस करती है। यानी कि जो कपास होता है वो शुद्ध सेलुलोज का बना होता है या कार्बोक्सिल समूह का होता है, और इसमें से 100% प्रति 100 ग्लूकोज ग्लूकोज का अवशेष में ग्लूकोनिक एसिड रिड्यूज होता है। यानी कि जो कपास है उसमें से 100% प्रति रेशा ग्लूकोनिक एसिड रिड्यूज होती है। ओके, कार्बोक्सिल समूह तब निर्मित होता है जब सेलुलोज से पानी वाष्पीकृत हो जाता है। यानी कि जो कार्बोक्सिल समूह है यह क्रिया तब संभव होता है जब सेलुलोज से पानी वाष्पीकृत होकर के खत्म हो जाता है। जो इसका संगठन है, जो इसका सूत्र है कपास का, वो C6H10O6 है।
कपास का रासायनिक सूत्र अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद कीजिएगा, C6H10O6 इसका रासायनिक सूत्र है। भौतिक विशेषताएं, कपास की भौतिक विशेषताएं क्या है? इसमें हम देखते हैं रंग, रंग जो होता है वो क्रीम सफेद कलर का होता है। लंबाई जो इसकी होती है आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। मोटाई जो होती है वो 12 से 20 माइक्रोन होती है। और मजबूती में ये काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। इस ये सभी प्राकृतिक रेशों से मजबूत माने जाते हैं, यानी कि ये काफ़ी शक्तिशाली और टिकाऊपन होता है। रगड़ करके धुलाई करने पर भी इन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 30% बढ़ जाती है। मर्सराइजिंग व अमलराइजेशन की परिसज्जा करने पर भी इसकी मजबूती ज्यों का त्यों बनी रहती है, यानी कि जो कपास के तंतु हैं उस पे मर्सराइजिंग और अमोनाइजेशन की प्रक्रिया करने के बाद भी इसकी मजबूती बनी रहती है, यानी कि बढ़ जाती है। प्रत्यास्था का अभाव होता है, ये पुनः अपनी अवस्था में इनको खींचने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आते, इसलिए प्रत्यास्था का क्या होता है, अभाव होता है। प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है। प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था उन्हीं वस्त्रों में पाया जाता है, क्योंकि उनको चाहे जैसे भी आप रख दीजिए फिर वो अपनी दशा में आ जाते हैं, और जो कॉटन के वस्त्र होते हैं वो नहीं होते हैं। ताप का संवाहक, ये जो कॉटन का वस्त्र होता है वो ताप का अच्छा संवाहक माना जाता है, इसीलिए लोग गर्मियों में कॉटन वस्त्र का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे शीतलता प्राप्त होती है। प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव इस पे थोड़ा बहुत पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मतलब लगातार इसका यूज करने पे, लगातार ताप के संपर्क में आने से इसके तंतु धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और जो कपड़े की सफेदी है उसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है। रगड़ कर धुलना, यानी कि रगड़ के धुलने पर भी इस पे कोई प्रभाव नहीं होता है। सलवट प्रतिरोधक, सलवट प्रतिरोधक का अभाव होता है। आप लोग खुद देखे होंगे, कभी हम लोग कॉटन का वस्त्र जो पहनते हैं अगर उसको ऐसे मोड़ मार के इधर उधर फेंक दो तो क्या होता है, उसमें सलवट आसानी से आ जाता है, इसलिए उसमें वो सलवट प्रतिरोधक नहीं माना जाता है। और जीवाणु का प्रभाव, जीवाणु का प्रभाव पड़ता है बरसात के मौसम में, जैसे कि इस समय अगर आप भीग करके आइए और उसको निकाल करके ऐसे ही कहीं रख दीजिए तो उसमें क्या होता है, फफूंदी आ जाती है। कीट का प्रभाव, कीट का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कीट का प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन जीवाणु का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो फफूंदी है वो जीवाणु है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है, पर इसे कीड़े नहीं खाते हैं इसलिए कीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा फफूंदी का प्रभाव, कॉटन के कपड़े पे फफूंदी का प्रभाव पड़ता है। अक्सर आप लोगों देखे होंगे कि इस समय बरसात का मौसम है, हम कॉटन के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और उसे बिना धुले किसी हैंगर में लटका देते हैं तो वो 2 या 3 दिन में उसमें फफूंदी लग जाती है, हरे या काले रंग की। तो इस तरह से जो कॉटन का वस्त्र होता है उसमें फफूंदी का प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट है हमारा अशोषकता, अशोषकता कॉटन के कपड़े में उत्तम पाई जाती है, यानी कि इसमें पानी को अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। घनत्व, इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1.52, 1.52 इसका क्या होता है, घनत्व होता है। अम्ल का प्रभाव, अम्ल के प्रति ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं, पर कार्बनिक अम्ल का कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल के प्रति ये संवेदनशील तो होते हैं लेकिन कार्बनिक अम्ल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु रंग कमजोर होने लगता है। मतलब कि ज़्यादा अम्ल का प्रयोग करने से, जो कार्बनिक अम्ल है उनका प्रयोग करने से रंग कमजोर होने लगता है, यानी कि फीका पड़ जाता है। जबकि अकार्बनिक अम्ल इसको नष्ट कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी हम लोग घरों में सफाई के लिए हम लोग क्या एसिड यूज करते हैं, वो क्या है, कार्बनिक है, यानी कि रासायनिक है। तो
तो उसको अगर वो गलती से कपड़े पे लग जाता है तो वहाँ का सूत कमजोर हो जाता है और नष्ट होने लगता है। तो अकार्बनिक जो अम्ल है वो कपड़े को नष्ट कर देते हैं। इसके दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो कॉटन का कपड़ा है उस पे दाग धब्बे लग जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं। क्षार का प्रभाव, हल्के क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु सांद्र क्षार से रेशे कमजोर हो जाते हैं। इसका जो रेशा होता है वो सांद्र क्षार से धीरे 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 कमजोर होने लगता है और कपड़ा खराब हो जाता है। पसीने का प्रभाव, पसीने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु कलर वहाँ का फीका पड़ने लगता है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग कोई भी कपड़ा जब पहनते हैं कॉटन का, तो पसीना लगने की वजह से क्या होता है, वहाँ का कलर में पीलापन आ जाता है, पर उससे तंतु कमजोर नहीं होता, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रंगों के प्रति सादृश्यता, जो कपास के कपड़े हैं वो बैट रंगों के प्रति ज़्यादा सादृश्य होते हैं, यानी कि बैट रंगों से बने कपड़े कौन कौन से हो जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल के कपड़े, वर्दी, स्कूल की ड्रेस, ये सभी बैट रंगों से बने होते हैं, और इसके प्रति कॉटन के कपड़े में काफ़ी सादृश्यता पाई जाती है। रंजक यानी कि ब्लीच, ब्लीच का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ब्लीच इस पर कोई भी ब्लीच किया जा सकता है, किंतु ज़्यादा ब्लीच करने से कलर पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि कलर जो होता है उसका धीरे 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 फीका पड़ने लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लीच का प्रयोग भी हानिकारक माना जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का आज कॉटन की विशेषताएं, उसकी खेती और कॉटन से रिलेटेड सभी टॉपिक कंप्लीट हुए। कल हम लोग लिनन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।